आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल। घरोड़ा हाईवे स्थित होटल रॉयल पंजाब में पुलिस ने की रेड। होटल में चल रहे थे व्यापार का किया भंडाफोड़। पुलिस रेड में होटल से 2 दर्जन के करीब युवक की युवतियां काबू। होटल की संचालिका हिरासत में। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि करनाल पानीपत सर्विस लेन पर स्थित रॉयल पंजाब होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। सूचना पर एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह ने 2 लोगों को फर्जी ग्राहक बनाकर होटल पर भेज दिया। फर्जी ग्राहक ने होटल की संचालिका से रूम व महिलाओं के बारे में सेटिंग की। सेटिंग होने के बाद नकली ग्राहक महिला के साथ कमरे में चला गया। उसी समय थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह पुलिस बल के साथ छापा मार पूरे होटल की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने 1 घंटे तक होटल के सभी कमरों को छानबीन की। इसके बाद अलग अलग कमरों में से महिला व पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस की अचानक छापेमारी से पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। इस छापेमारी में पुलिस ने होटल के अंदर से करीब 2 दर्जन युवक युवतियों को काबू किया। हाईवे पर स्थित इस होटल में देह व्यापार का एक कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले यह होटल सुर्खियों में रह चुका है, लेकिन प्रशासन ढीली ढाली कार्रवाई के कारण इस धंधे पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा पाया है। गुरुवार को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से स्थानीय होटल मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना प्रभारी हरिंजन ने बताया कि होटल से पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ की जा रही है। जी सर, कैसे क्या कार्रवाई पुलिस की? ऐसे में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गरुंडा में रिचि रिच होटल में ऐसे ऐसे वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है, जो कि हमने अपने एक एम्प्लॉयज को एक बोगस ग्राहक बनाकर वहाँ भेजा, जिसने वहाँ उनके साथ कमिटमेंट की और उसी अनुसार हमने रेड करके होटल में आपत्तिजनक हालात में कुछ ऐसा धंधा पकड़ा है। कितने लोग हैं जो अभी काबू किए? लगभग लड़के लड़के मिला के करीब 2 दर्जन हैं। 2 दर्जन तो आगामी क्या कार्रवाई है? सभी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी, कुछ जाँच की जाएगी, कुछ 2-4 रेस्टोरेंट जैसे रेस्टोरेंट भी है कुछ जो वहाँ खाने हैं उसके लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एएनटी नेशनल के लिए घरोंडा से सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।